हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो मैं धो रही हूँ गेहूँ जो है आटा ख़त्म होने वाला था तो गेहूँ धो दे रही हूँ। और ये ना अब गेहूँ भी हमारे ख़त्म ही होने वाला है। अब गाँव में जब गेहूँ होगा जब ही आएगा। इतने तो लाए थे हस्बैंड जी, फट्टा खरीद के लाए थे 2 फट्टे, तो अभी वही चल रहा था, यही लास्ट वाला धो रही हूँ मैं। तो और भी काम रहते हैं ना, तो ये सब काम हो नहीं पाते हैं। और वैसे भी मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है, मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। पता नहीं क्यों मैं इतना बीमार रहती हूँ, मैं खुद नहीं जान पाती हूँ। यही बार बार कहती भी हूँ मैं, और इसी वजह से मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ, अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी छत जो है अच्छे से धुल दिए थे हस्बैंड जी, उन्हें ही बोल दी थी, तो अभी लेके आ गई हूँ मैं इसे। अभी यहाँ पे डालूँगी, अच्छे से फैला दूँगी, और आज ही सूख जाएगा। आज नहीं तो कल तो ज़रूरी सूख जाएगा, क्योंकि धूप इतने ज़्यादा होने लग गए हैं। तो अभी जितना लाई हूँ उतना ही डाल रही हूँ। अभी फिर से दोबारा जाऊँगी लेने 1 बाल्टी में, तो 2 बाल्टी हुआ था ये वाली बाल्टी से तो धुली थी। तो अभी एक बार का जो लेके आई हूँ वो अभी फैला दे रही हूँ, फिर जाऊँगी नीचे से लेके आऊँगी, क्योंकि ऊपर लेके चढ़ना ना तो साहस भारी हो जाता है लेना। तो वही अब चल रही हूँ लेके आऊँगी नीचे से दूसरा। और पता क्या होता है, जैसे ना घर के रोटी में आए गेहूँ पिसाओ उस रोटी में, और जो बाज़ार से आटा हम खरीद के रोटी बनाते हैं उसमें बहुत ही अंतर होता है। ऐसे ना जो है अच्छा नहीं लगता है वो वाले आटे से रोटी, जैसे लगता है उसमें चावल का भी आटा मिला के रखते हैं सब, तो इसीलिए। और मुझे तो शुरू से खाने का आदत ही नहीं है, बाहर के जो भी होते हैं पिसे हुए आटा, हम घर का ही आटा शुरू से खाए हैं, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। अभी गेहूँ डालने आई थी तो गेहूँ तो डाल दी हूँ, और आटा ख़त्म हो गया था ना, 2-3 का रह गया था। जब भी आटा ख़त्म हो जाता है, जब भी मुझे गेहूँ धोने का याद आता है, बहुत सारा काम हो जाता है ना अकेले, मतलब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब भले से ही घर में 2-3 आदमी हो ना, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहता है, उतना ही पड़ जाता है। तो इसीलिए जब एकदम ज़रूरत आ जाता है, जब ही याद आता है मुझे। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी लाए थे वो धनिया है, और यहाँ पे मिर्च और हल्दी, इसे पिसवाना है तो धूप में रख दी हूँ। तो धूप जब तक लगेगा नहीं, एकदम कड़ा नहीं होगा ये ना सूख के, तो तब तक वो पीसते नहीं है भैया। तो अभी यहाँ रख दी हूँ, धूप इसे भी लग जाएगा, और गेहूँ भी आज कल में सूख ही जाएगा, आज ही सूख जाएगा या कल सूख जाएगा। अभी चल रही हूँ नीचे, बनाऊंगी खाना। और धूप ऐसे लग रहा है ना, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, इधर से ही सूरज निकले है ना, तो इसीलिए अभी चलिए नीचे चलते हैं। तो जो सबसे मेन काम था वो काम मैं अभी करके आ गई हूँ, जो है डाल के आ गई हूँ गेहूँ। और अब चल रही हूँ पोछा वोछा, तो झाड़ू तो लगा दी थी, तो पोछा बस लगाना है कमरे में और किचन में, उसके बाद बनाऊंगी खाना वाना। अभी हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी भी चल रहा है, और अभी परी का हो गया है स्कूल ना 8 बजे से हो गया है उसका, 8 बजे जाना है 12 बजे आना है, तो सुबह जल्दी ही जगना पड़ता है। तो रात में कितने भी लेट सो, लेकिन बच्चों के लिए सुबह जल्दी जगना ही पड़ जाता है। तो अभी बेडशीट उट सब सही कर दी हूँ मैं, अच्छे से ये सब काम कर दी हूँ, तो अभी लगा रही हूँ पूछा अच्छे से, और उसके बाद खाना वाना बनाने की अभी तैयारी करूँगी। अभी जो है खाना वाना नहीं बना है, तो इसीलिए। और चली गई थी गांव, तो गांव से भी आई, तो गांव भी एक ही दिन रह पाई थी, वहां से अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई थी, जो भी थोड़ा बहुत बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो मेरे ससुराल का वीडियो था। तो उसके बाद मैं काम उम करके आराम कर रही थी, तो अभी जा रही हूँ मैं परी को जो है कपड़े बदलूँगी, अभी आई है, इसके पापा लेके आए हैं अभी। तो अभी ना ये बहुत बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है ऐसे ना। अब देखिए ड्रेस अपने आप निकालने को बोल रही है कि मैं खुद निकालूंगी। अब आप लोग सोचिए, इतनी छोटी सी है, अभी ये ड्रेस थोड़ो ना निकाल पाएगी, और अभी इसका कोर्स भी आ गया है तो स्कूल में, तो इसका कोर्स भी लेना है, मैडम बोल दी है। अभी ये दूसरे क्लास में चली गई है, वही मैं सुबह मम्मी से बात कर रही थी, तो मैं बता रही थी मम्मी से कि मधु अभी दूसरे क्लास में परी चली गई है, प्रिय नर्सरी में थी, अब नर्सरी में चली गई है। मम्मी बोल रही है बताओ, तुम तो इतनी थी छोटी सी, तो स्कूल भी नहीं जाती थी, और परी जो है दूसरे क्लास में चली गई,
यही सब कह के हंस रही थी। मैंने कहा हाँ अभी ये दूसरे क्लास में चली गई, ये एडमिशन मैं जानबूझ के ही करा दी थी छोटे पे ही, और जाने लगती है इतने छोटे बच्चे तो सभी जाने लगते हैं, शहर में तो सब बच्चे जाते हैं, अब तो गांव में भी सब भेजने लग गए हैं छोटे बच्चों को ही स्कूल। तो अभी जो है अभी से पढ़ेगी ना तो सही रहेगा। और बोल लेती है, ये भी नहीं है कि बोल नहीं पाती है और रह नहीं पाती है, रह लेती है स्कूल जाने के नाम पे, तो तुरंत ही तैयार हो जाती है खुशी खुशी। इससे ज़्यादा मतलब मुझे परेशान भी नहीं करती है कि मैं नहीं जाऊँगी। जब से इसका एडमिशन हुआ बस एक दो दिन जो है ना स्कूल से आते समय रोई होगी, जाते समय बिल्कुल नहीं रोई है, और उसके बाद से लेके आज तक मतलब एक दिन भी नहीं रोई है, और चली जाती है चुपचाप चली जाएगी पढ़ने के नाम पे, तो तुरंत तैयार हो जाएगी। तो यही अच्छा लगता है ना, इसीलिए छोटे बच्चों को छोटे पर से ही स्कूल में लगा दो तो ठीक रहता है। और इसका ड्रेस व्रेस धो रही हूँ मैं, और इसका ये दो तीन जोड़ी जो है बनियान गर्मी का कच्चा बनियान ये सब लाई थी ना, तो ये सब खंगाल के डाली हूँ। अभी एक जोड़ी पहनी है ये वाला, कल धुल दी थी क्योंकि कल भी पहनी थी इसे, तो ये धुल दी थी मैं, और अभी आ गई है दुकान पे। इसे तो मतलब दिन भर में 10-15 चक्कर काटती है दुकान पे, क्योंकि घर के पास में ही है, तो ऐसे आके जब खड़ी हो जाती है तो चाहिए बस, तो दिलाना ही पड़ता है, चाहे टॉफी ही ले ली 1 रुपये का, लेकिन जो एक बार कह देगी तो बस चाहिए। तो अभी आ गई हूँ लेके मैं इसे अंदर, और अब खाना वाना बनने का तैयारी। आज बनाया खाने में दाल चावल, जो कि हस्बैंड जी बनाए हैं दाल फ्राई करके, और मैं बनाई हूँ चावल बस, क्योंकि बाकी के कामों में लगी थी तो हस्बैंड जी दाल बना दिए हैं और मैं बना दी हूँ अभी चावल। तो चल रही हूँ, अभी हम खाएंगे, मैं भी, परी भी, उसके पापा भी आ गई हो अभी स्कूल से। तो और मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, कई दिनों से उसका तबीयत ख़राब है ना, और उसको खांसी आ रहा है, 3 महीने हो गए खांसी आते आते ना, तो मतलब उसी से बीपी भी उसका लो, मतलब बीपी भी लो रहता है, कमजोरी भी है उसको, तो बीपी लो हो जा रहा है, उसका तबीयत ख़राब चल रहा है। और मतलब इतना दूर हूँ ना मैं, देखने नहीं जा पा रही हूँ मैं, सच में ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, इतना दूर। बेटियाँ क्यों पराई हो जाती हैं, सच में एक ही मतलब माँ के रहते हैं बेटी और बेटे, तो बेटे को पास में रख लेते हैं और बेटियों को इतना दूर भेज देते हैं, क्यों माँ बाप, बहुत दुख होता है सच बताऊँ तो। ऐसा समय था कि माँ के बिना तो एक दिन भी नहीं रह पाती थी, और आप देखिए एक एक साल डेढ़ साल हो जाते हैं, और इतना दूर होना, नज़दीक रहती तो मैं चली जाती एक रात के लिए अगर देखने भी, लेकिन इतना दूर है, बहुत सोचना पड़ता है इतना दूर से आने जाने में ना। तो अभी वीडियो कॉल की थी, भाभी जी हैं तो उनके मोबाइल पे की थी, कोई बगल की हैं तो उनके फ़ोन पे की थी वीडियो कॉल, तो बात हो गया था। तो वीडियो कॉल में देखी हूँ एकदम मतलब सूख चुकी है मम्मी, एकदम पतली सी हो गई है, और बहुत बुरा लग रहा है सच में, बहुत बुरा लग रहा है। और देखिए कब जा पाती हूँ, अभी कोई उम्मीद भी नहीं है कब जाऊंगी कब नहीं जाऊंगी मिलने, और रोना आ रहा था मुझे, सच में रोना आ रहा था। मैं तो बार बार उसे दिन में 2-3 बार फ़ोन करके बोल देती हूँ कि दवा ले लेना है यहाँ से, कई जगह से दवा करा चुकी है, कई डॉक्टर बदल चुकी, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा है, देखिए कब ठीक होती है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा, अब नहीं मन कर रहा बनाने के लिए, बस यहीं तक रहेगा ब्लॉग मेरा। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और बस बाय बाय।